हाँ, ये तो बात की जाए, मैंने प्रीवियस क्लास में कुछ लेक्चर न्यूमेरिकल दिए थे, तो कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करने से पहले मैं आ जाता हूँ इन सब क्वेश्चन को। विद्युत परिपथ में निम्न रंगों द्वारा तार प्रदर्शित किए जाते हैं जी। बोला जा रहा है कि बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है जी, वायर होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक पार्ट में वायर होते हैं। इन वायर को क्या होता है, एक स्पेशल कलर से दिखाया जाता है जी। तो वही बात कर रहे हैं, देखिए, रेड होता है, येलो होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है, ब्लैक होता है। तो रेड, येलो, ब्लू जो होता है फेज कलर के लिए यूज किया जाता है। देखिए, जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल क्या होता है जी, ब्लैक से होता है। और ग्रीन क्या होता है, भू संपर्क। आप याद कर रखते हैं, भू संपर्क माने अर्थिंग है जी। अर्थिंग है मतलब क्या है जी, ग्रीन है। देखिए, अर्थ मतलब क्या होता है, हरियाली होती है, तो ग्रीन से यूज करते हैं। ब्लैक का बात किया जाए, जो न्यूट्रल है, कुछ है ये नहीं है। न्यूट्रल क्या है जी, ब्लैक है, पूरा काला है। तो ये मेरा ब्लैक है, तो देख सकते हैं यहाँ ब्लैक है, मेरा ग्रीन है, ये मेरा क्या है, फेज है। तो यहाँ से हमको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रीन कलर का जो वायर है उसको क्या शो करता है। तो हम यहाँ से बोलेंगे अर्थिंग को शो करता है, भू संपर्क को शो करता है, और ब्लैक का जी न्यूट्रल करता है। बाकी तीन फेज तो फेज वाला याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ऊपर भू संपर्क चालक रखता है, रहता है, इसके बाद फेज रहता है। बोला है कि जब हाई वोल्टेज रहता है जी ट्रांसमिशन, तो उसमें क्या होता है, सबसे ऊपर कौन सा होता है जी, तो अर्थिंग होता है सबसे ऊपर। अब देखिए, सबसे ऊपर क्या होता है जी, अर्थिंग होता है, ये बात बोला है। इस बात को देखिए, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमको नोट करने वाली है, उन सबको भी एक बार पढ़ लेते हैं। थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। एक व्यक्ति को सुरक्षित रखने के लिए अधिकतम 9 मिली एम्पियर विद्युत धारा उपयुक्त है। मानव शरीर में प्रतिरोध लगभग 1000 ओम होता है। केल्विन ब्रिज में निम्न प्रतिरोध मापा जाता है, केल्विन ब्रिज में निम्न प्रतिरोध मापा जाता है। अगर दो तार समानांतर में एक ही दिशा में प्रवाहित हो तो वे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। बोला है एक ही दिशा में होगा तो क्या हो जाएगी, आकर्षित करेंगे। इसीलिए देखिएगा, कभी कभी तीन फेज जो वायर होते हैं उसको क्या किया जाता है, एक लकड़ी यानी नॉन मेटल यानी इंसुलेटर के हेल्प से क्या किया जाता है जी, उसको बांध के रखा जाता है कि क्या करे, एक दूसरे को क्या करे जी, आकर्षित न करे। बोल रहा है जब दो प्रतिरोध को समानांतर में जोड़ा जाता है, तो परिणामी प्रतिरोध निम्न प्रतिरोध से कम हो जाता है। बोल रहा है कि अगर मान लीजिए दो से अधिक प्रतिरोध है, जैसे बोल रहा है, देखिए जी, बोल रहा है कि अगर दो पैरेलल पाथ है जी, एक मान लीजिए क्या है, 2 ओम का है, 6 ओम का है, इसको अगर आप निकालिएगा, आर इक्वेलेंट निकालिएगा, 1/R इक्वेलेंट बराबर 1/R1 + 1/R2, तो क्या हो जाएगा, 6 3 3 और 1 4, यानी आर इक्वेलेंट आपको सॉल्व कीजिएगा तो मिलेगा 3/2। तो देखिए, ये जो 3/2 आया, क्या आया, इस दोनों रजिस्टर से क्या आया, कम आया, इस दोनों रजिस्टर से क्या आया, कम आया। वही तो बोल रहा है कि जब दो प्रतिरोध समानांतर में जोड़ा जाए, तो परिणामी प्रतिरोध निम्न प्रतिरोधों से कम होगा, यानी उसमें से जो भी प्रतिरोध होगा उससे कम हो जाएगा। अगर बात की जाए सीरीज में, तो क्या हो जाएगा, दोनों जो प्रतिरोध रहेगा उससे ज्यादा रहेगा जी। पानी में अगर सप्लाई के दो तारों को डाला जाए, तो दोनों तारों के पास में बुलबुले बिना पानी गर्म हो रहा है। पानी में अगर सप्लाई के दो तारों को डाला जाए, तो दोनों तारों के पास में बुलबुले बने बिना पानी गर्म हो रहा है, तो वह सप्लाई एसी है। यदि बुलबुले बनते हैं, तो वो सप्लाई क्या है जी, डीसी है। यानी कुल मिलाकर बात है कि बुलबुला किसमें बनता है, डीसी में बनता है, एसी में नहीं बनता है। घरों में लगे उपकरण विद्युत सप्लाई के साथ समानांतर में लगे होते हैं। बोला है घर में पूछा जाएगा कि कौन सा आपका कनेक्शन होता है, तो ये पैरेलल कनेक्शन होता है। इसका एक कारण, एक समान वोल्टेज देना है, सबको समान वोल्टेज देना है, नहीं तो सीरीज में देखिए, अगर सीरीज में देंगे तो क्या हो जाएगा जी, मान लीजिए एक यहाँ पे घर है, एक यहाँ पे घर है, एक यहाँ पे घर है, अगर मान लीजिए पैरेलल में नहीं दिया जाए, सीरीज में दिया जाएगा, तो यहाँ पे तो मान लीजिए करंट बहुत ज्यादा जा रहा है, और यहाँ पे करंट जाते जाते क्या हो जाएगा जी, बहुत कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब कम हो जाएगा, तो वोल्टेज तो क्या है जी, फिक्स है, तो जैसे ही डिस्टेंस कवर होगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस पावर को मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको सबको क्या करना पड़ता है, ऐसे मान लीजिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, दोनों पॉइंट, ये पॉइंट है, दोनों पॉइंट, इसको क्या है, हमने पैरेलल में जोड़ रखा है। देखिए जी, हमने एक पैरेलल में जोड़ दिया, इस तरह हमने सप्लाई किया है, पैरेलल में जोड़ देते हैं, तो इससे क्या होता है, सबको वोल्टेज सेम मिलता है, सबको करंट सेम मिल जाता है, सॉरी, सबको वोल्टेज सेम मिलता है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, पावर लगभग बराबर ही होता है। लेकिन अगर बात की जाए सीरीज में जोड़ देंगे, तो पावर क्या हो जाएगा, कम ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ हमने न्यूमेरिकल ट्रांसफार्मर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं जी।
कुछ न्यूमेरिकल हमने कल जो दिया था उस सभी न्यूमेरिकल क्या करेंगे जी, सॉल्व करेंगे। मैं बता दूंगा कि ये स्पार्क पब्लिकेशन है जी, ये हमारे पास जो बुक है वो किस पब्लिकेशन की है जी, तो स्पार्क पब्लिकेशन की है जो हम इसको डिस्कस करते हैं। तो हमने इसमें कुछ न्यूमेरिकल दिया था जो आपको मैंने कहा था कि प्रीवियस लेक्चर में कमेंट में लिखे जी इसके आंसर, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने क्या किया होगा, सॉल्व कर लिया होगा। तो हम लोग एक एक करके इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और प्लीज़ पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने से ही क्या कीजिएगा जी, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, किए होंगे लोग, और हम इसको डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आता है जी, क्वेश्चन नंबर 12। अगर मान लीजिए किसी को ये भी लग रहा होगा कि हमने क्वेश्चन कल नहीं लिखा है, तो कोई बात नहीं, अभी क्वेश्चन को आप देख सकते हैं और यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बोल रहा है कि चित्र में दिखाए गए परिपथ में धारिता C1 पर आवेश, C1 कौन है जी, मेरे पास ये है, इसमें बताना है चार्ज क्या है जी। तो बोल रहा है C3 से अधिक है, C3 से कम है, C3 के समान है, C3 से कोई नहीं, बताइए। अब C3 से कंपेयर करना जी, C3 मेरे पास ये है, चलिए देखते हैं क्या है जी। तो अब बात की जाए चार्ज कैसे होता है जी, चार्ज का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था कैपेसिटर में, कैपेसिटर में हमने क्या पढ़ा था चार्ज के बारे में जी, तो Q बराबर क्या होता है जी, Q बराबर CV होता है, Q बराबर C और V। तो उसका कैपेसिटेंस तो हमको पता है, C1 में Q1 की बात की जाए तो C1 V1, और Q2 में बात की जाए तो Q2 में बात की जाए तो क्या हो जाएगा C2 V2। इसमें C1 की बात की जाए तो C1 कितना है जी, 3 3 है, ठीक है। इसमें C2 कितना है जी, 6 है। वोल्टेज हमको अभी निकालना, अभी वोल्टेज निकालना पड़ेगा जी, वोल्टेज क्या करना पड़ेगा हमको, निकालना पड़ेगा कि वोल्टेज कितना है इसमें, ठीक है जी। यहाँ से देख सकते हैं C1 भी ओम, C2 भी टू, C1 क्या है जी 3 ओम, C2 क्या है 6 माइक्रो फेरेड है जी, सॉरी फेरेड है। अब बात की जाए वोल्टेज, तो हमको इसके क्रॉस वोल्टेज, इसके क्रॉस वोल्टेज पता रहेगा तो ही तो निकाल सकते हैं जी। तो चलिए हमको इसको वोल्टेज निकालने के लिए क्वेश्चन समझिएगा, यहाँ पे Q1 बराबर C1 V1, Q2 बराबर C2 V2, यहाँ पे 3 फेराड है, यहाँ पे 6 फेराड है। हमको क्वेश्चन अब सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ये वोल्टेज कितना है जी, तो 4 वोल्ट। ये मेरा बैटरी है, ये मेरा कितना है जी 3 फेराड है, और हमने क्या किया इस 3 ओम और 6 ओम को हमने क्या है जी, ये पैरेलल में है, तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पैरेलल के लिए कैपेसिटेंस का, पैरेलल का कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सी इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2 होता है। सी बराबर क्या होता है जी, सी इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2। तो एक मेरा पेस कितना है जी 3, एक मेरा 6, तो क्या हो जाएगा 9 फेराड हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, मेरा सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो 9 फेराड। तो हम उन दोनों को हटाकर 9 फेराड इसको लिख दें, ठीक है जी। तो अब देखिए हमको क्या मिला जी, यहाँ से मिला, अब यहाँ देख सकते हैं ये मेरे पास क्या है जी, पैरेलल में है, ये सॉरी सीरीज में है, तो सीरीज सी इक्विवेलेंट सीरीज में क्या होता है जी, सीरीज में सी इक्विवेलेंट क्या होता है, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 होता है, ठीक है जी। क्योंकि ये रजिस्टर का जस्ट उल्टा लगता है, अगर प्रीवियस लेक्चर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाइए और उस लेक्चर को देखिए, 1/3, 1/9, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट। बात की जाए 9 3 और 1, तो 9/4 क्या हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट माया जी। कहने का मतलब हमारा जो ये सर्किट है क्या हो जाएगा, सर्किट हमारा ऐसे हो जाएगा, ये मेरा कैपेसिटर क्या हो जाएगा जी 9/4 फेराड, और ये क्या मेरा हो जाएगा वोल्टेज 4 वोल्ट का मेरा बैटरी लगा जी, मेरा क्या हो जाएगा 9/4 क्या हो जाएगा जी फेराड लगेगा और 4 वोल्ट हो जाएगा। अब यहाँ से देख सकते हैं इसके क्रॉस मैं क्यू अगर निकालूँ तो क्यू क्या है जी, क्यू बराबर CV, क्यू बराबर क्या है जी CV, क्या है क्यू बराबर क्या है CV। यहाँ से देख सकते हैं क्यू बराबर CV बात की जाए तो तीनों तीनों कैपेसिटर है, तीनों में चार्ज क्या हो जाएगा, तो C क्या आ जाएगा 9/4 × V क्या आ जाएगी 4, यानी 9 कूलाम, क्यू बराबर क्या आ जाएगी 9 कूलाम। बोल रहा है कि तीनों मिलकर कितना होगा जी, तो 9 कूलाम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं जी। तो अगर देखा जाए, अब देखिए इस वाले फिगर में हमने सॉल्व किया 9 कूलाम, अब देखिए यहाँ पे क्या है 3 और 1 9, तो कूलाम के लिए फॉर्मूला क्या होता है जी, क्यू बराबर CV होता है, यानी वोल्टेज पे भी डिपेंड करेगा और सी पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है जी, वोल्टेज पे भी डिपेंड करेगा और सी पे भी डिपेंड करेगा। तो देखिए इसमें जो वोल्टेज हो, तो चलिए जी देखिए अगर बात की जाए यहाँ पे
कैपेसिटेंस में, तो देखिए अगर बात की जाए यहाँ पे, तो देखिए इस वाले सर्किट में ये मेरा कैपेसिटर 3 फेराड का है, और यहाँ पे क्या है जी, 9 फेराड का है, 3 फेराड 9 फेराड। तो क्या हो जाएगा, जो कैपेसिटर वोल्टेज अगर बात की जाए तो यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा जी, इनका रेशियो जो होता है वोल्टेज, यहाँ पे मान लीजिए वी वन, यहाँ पे वोल्टेज वी टू है, तो वी वन और वी टू का रेशियो क्या होता है, वी वन अपॉन वी टू का रेशियो अपोजिट होता है, यानी 9 C2 बाई C1 होगा। तो C2 क्या है, 9 बाई 3, तो क्या हो जाएगा 1:3 बराबर V1 बाई V2 बराबर क्या हो जाएगा 1:3:1। अब बात की जाए टोटल वोल्टेज कितना था जी, तो 4 वोल्ट था, तो V1 तो 3 बाई 1, तो अगर बात की जाए तो V1 क्या है जी, 3 वोल्ट है, और V3 क्या है, 1 वोल्ट है, ठीक है जी। अब कूलाम की बात की जाए तो C1 V1, और QT की बात की जाए तो C2 V2, C2 V2। देखिए C1 क्या है जी, 3 फेराड है, वोल्ट क्या है तो 3 वोल्ट है, तो 9 कूलाम आ गया। इसमें क्या हो जाएगा, C2 कितना है जी, 6 ओम, वोल्टेज कितना आ जाएगा 1, यानी 6 कूलाम आ जाएगा। तो किसमें ज़्यादा है जी, एक 1 है मेरा, तो क्या आ जाएगा, 1 में ज़्यादा हो जाएगा, बोल रहा है C3 चार्ज से अधिक होगा, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा जी, 12 का ई आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन आपको लेंदी है, लेकिन इसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 14 नंबर है। बोला है चित्र में दिए गए परिपथ सर्किट में एमीटर का पठन क्या होगा, इस करंट को मेजर करना है जी, इस करंट को मेजर करना है। अब देखिए हम इसी सर्किट को थोड़ा सा हम इसको सॉल्व करेंगे और अच्छे से बनाएंगे जी। देखिए क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो सोल्यूशन तो जरूरी बात है कि नहीं समझ में आएगा जी। देखिए बात की जाए, देखिए एक क्या है जी, 4 ओम है, एक क्या है, 2 वोल्ट का बैटरी है, यहाँ पे जो करंट पास होगा वो करंट को निकालना है। बात की जाए तो इसके पैरेलल में क्या है जी, 6 ओम है, इसके पैरेलल में क्या है, 3 ओम है, इसके पैरेलल में क्या है जी, तो 2 ओम है, ये सब क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। मैंने उसी सर्किट को क्या किया जी, ऐसे बना दिया। आप देख सकते हैं 4 ओम का ये यहाँ पे है, एक 2 वोल्ट का बैटरी लगा है, 6 ओम का ये पैरेलल में है, 3 ओम पैरेलल में लगा है, 2 ओम पैरेलल में लगा है, उसी को मैंने ऐसे बना दिया। देखिए अब देखिए कितना आसान हो गया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे जी, देखिए इस सब पैरेलल में है, पैरेलल में क्या है जी, तो आर इक्विवेलेंट निकाले, आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/6, 1/3, 1/2, इसे हम ले लेंगे तो क्या मिलेगा, 6, इसे लेंगे 6, 1, 2, 3, तो आर इक्विवेलेंट यहाँ से सॉल्व कीजिएगा 1 ओम आ जाएगा, ठीक है, 6/6 क्या हो जाएगा, 1 ओम। अब फिर से इस सर्किट को हम थोड़ा सा क्या करते हैं जी, इस सर्किट को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये 4 ओम था, 4 ओम ही रह जाएगा, क्या था, 2 वोल्ट था, 2 वोल्ट ही रह जाएगा। अब देखिए इस पूरे रजिस्टर को हमको बदल के क्या लिखना है जी, 1 ओम का रजिस्टर लगा देना है, 1 ओम का रजिस्टर, तो 1 ओम का हमने रजिस्टर लगा दिया। आप यहाँ तक देख सकते हैं, अगर आपको दिक्कत होगी तो आप इसको भी बना सकते हैं, समझ सकते हैं जी। देखिए अब बात की जाए तो कितना हो गया, 5 ओम, 2 वोल्ट, इसमें करंट कितना जा रहा है जी, जो भी करंट जा रहा है हमको निकालना है, तो I बराबर KVL लगा दीजिए, यहाँ से यहाँ चलेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 + 2 - 4I - I × A, 1 है जी बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, 2 बराबर 5I, तो I बराबर क्या हो जाएगा, 2/5 बराबर 0.4 एम्पियर, ठीक है जी, 0.4 एम्पियर आ गया करंट आपका आंसर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन क्या है जी, लेंदी तो है लेकिन बनाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 0.4 एम्पियर, देखिए पहले क्वेश्चन क्या था, सभी डिपार्टमेंट से आता था तो क्वेश्चन क्या होता था, बढ़ जाता था। क्वेश्चन नंबर देखिए, एक क्वेश्चन में बना रहा हूँ यहाँ से 70 का, समान वोल्टेज के 2 क्वेश्चन नंबर में एक कल तो नहीं दिया था, लेकिन फिर भी इसको हम क्वेश्चन को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए बोल रहा है, समान वोल्टेज के 2 विद्युत बल्ब हैं, क्या है जी, समान वोल्टेज के 2 विद्युत बल्ब का पावर 200 वाट है तथा 100 वाट है, यदि उनका प्रतिरोध R1 R2 है तो बताना है जी। ये समान वोल्टेज है, क्वेश्चन क्या बोला है जी, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ब्लर आ रहा होगा मैं मानता हूँ, तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा।
क्वेश्चन बोल रहा है कि समान वोल्टेज के क्या है जी, दो बल्ब है, समान वोल्टेज है तो वोल्टेज तो बराबर है। अब देखिए वोल्टेज किसी भी रेजिस्टेंस में कैसे निकालते, तो समान वोल्टेज के दो विद्युत बल्ब पावर है जी, पावर बराबर क्या होता है वी स्क्वायर आर, पावर का फॉर्मूला क्या होता है जी वी स्क्वायर बाई आर। देखिए बोल रहा है कि समान वोल्टेज यानी वी क्या है जी सेम है, पावर अलग अलग, आर निकालना है तो मान लीजिए आर बराबर इसी फॉर्मूले को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा वी स्क्वायर बाई पी, वी स्क्वायर बाई पी यानी आर वन निकालना है तो वी वन स्क्वायर बाई पी वन करेंगे, अगर आर टू निकालना है तो क्या करेंगे जी वी टू स्क्वायर बाई पी टू करेंगे, और बस वैल्यू रख दें तो वैल्यू रखते हैं जी। पहला क्या है, पहला में पावर कितना दिया था तो 200 वाट का दिया था, दूसरे में क्या था जी 100 वाट का दिया था, और दोनों का वोल्टेज क्या था जी, वोल्टेज तो बराबर था, इसका भी वोल्टेज बराबर था, इसका भी वोल्टेज बराबर था, ये मेरा आर वन रहा ये मेरा आर टू का, आर वन में देख सकते हैं वी वन बाई पी वन, वी वन क्या है जी सेम वोल्टेज लेना है तो सेम वोल्टेज लेंगे 200 वाट लेंगे, दूसरे में लेंगे तो वोल्टेज सेम लेना है वी स्क्वायर बाई वाट कितना 100 वाट ही मिलेंगे, वाट को हटा दीजिए यूनिट है अभी तो कैलकुलेशन करना है, तो देखिए वी स्क्वायर बाई 200 वी स्क्वायर बाई 100, आर वन आर टू में रिलेशन निकाल सकते हैं जी। देखिए यहाँ से वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर 200 आर वन हो जाएगा, यहाँ से वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 100 आर वन आर टू, सॉरी ये आर टू, तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 2 आर वन बराबर आर टू, तो 2 आर वन बराबर आर टू आ गया, क्या आएगा जी मेरा आंसर आ गया, दे सकते हैं 2 आर वन बराबर आर टू। तो क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है। मैं जिस जिस भी फ्रेंड्स को अगर ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो मैं प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी तक अगर मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों को भी रिकमेंड करें कि आप भी इस ऑनलाइन रेलवे प्रिपरेशन स्टडी के प्रिपरेशन के आप भी पार्ट बने और समझने की कोशिश करें। देखिए मैं वो नहीं हूँ कि जो एग्जाम्स के आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाऊँ, आपको भी पता है बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जिनके सब्सक्राइबर 4-4 मिलियन है, पता ना कैसे हो जाते हैं, लेकिन बच्चे सब पढ़ भी रहे हैं और उनको बेवकूफ़ भी बनाया जा रहा है। आप बताइए इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट के टीचर से पढ़िएगा तो क्या होगा, प्रॉब्लम तो होगा ना जी। तो मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा आप अच्छे लेवल तक ही जाएं, ज़्यादा लेवल तक न जाएं, क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विसेज का हम लोग यहाँ पे तैयारी नहीं कर रहे हैं जी, हम लोग यहाँ पे इंजीनियरिंग सर्विसेज का तैयारी नहीं कर रहे हैं कि हमें उतना पढ़ना है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या था जी, हमारे पास अगला क्वेश्चन ये था, कैपेसिटेंस लगाया गया था जी, ठीक है, कैपेसिटेंस 15 नंबर क्वेश्चन था, बोल रहा है यदि चित्र में भांति तीन संधारित्र को संयोजित किया गया है जी। क्वेश्चन को आप थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ, देख लीजिए, हाँ बोल रहा है दिए गए चित्र की भांति तीन संधारित्र को संयोजित किया गया है, इस श्रेणी संयोजन का विभवांतर होगा। देखिए अगर बात की जाए विभवांतर निकालना है जी, देखिए तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज भी है, ये वी वन वी टू वी थ्री, हमको इसके क्रॉस वोल्टेज निकालना है, तो श्रेणी संयोजन है तो वी क्या हो जाएगा डायरेक्टली ऐड हो जाएगा जी, तो वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री क्या हो जाएगा हमको वी के बराबर हो जाएगा, हमको क्या मिला आंसर बी, कोई ज़्यादा सॉल्व ही नहीं करना था, आंसर बी, ठीक है जी। तो ज़्यादा इसमें समझने की ज़रूरत नहीं है जी, ये तो बुद्धू बनाना था, कैपेसिटेंस दे दिया गया था लेकिन वोल्टेज के बारे में पूछा गया, ये ज़्यादा बस कंफ्यूजिंग करने के लिए दिया गया था, लेकिन लड़कों को चाहिए कि कंफ्यूजन में ना आए, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 42 जो है, मैं बता देना चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चन बहुत ही अभी हार्ड है, मैंने इंडक्टर नहीं पढ़ाया, जब मैं इंडक्टर पढ़ा दूंगा, कैपेसिटर रेजिस्टेंस मैंने पढ़ा दिया, इंडक्टर नहीं पढ़ाया, जब रेजिस्टर जब मैं इंडक्टर पढ़ा दूंगा उसके बाद ही मैं क्वेश्चन कराऊंगा, तो प्लीज़ दोस्तों से मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज़ मैं जो टॉपिक नहीं करा हूँ प्लीज़ अब उसका क्वेश्चन बनाने की कोशिश ना करें, जो जो मैं टॉपिक करा रहा हूँ केवल उसी को बनाएं और उसी को समझने की कोशिश करें, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन था यहाँ पे, ठीक है जी, एक क्वेश्चन आप यहाँ से लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 18, ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है डी वन जो है इतना है 0.5 डी टू, एल टू क्या है जी 4 एल वन,
और दो चालक ताम्र से बने हैं, कैसे बना जी? तो कॉपर से बना है। उसका प्रतिरोध आर वन आर टू का बीच अनुपात निकालना है जी। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ये जो हमको जो प्रतिरोधकता जब पढ़ाए थे, रेजिस्टिविटी जब पढ़ाए थे हम आपको, उसी समय हम आपने आपको ये क्वेश्चन कराए थे, ठीक है जी। वहां से हमने फॉर्मूला क्या पढ़ाया था जी, हमने वहां पे फॉर्मूला आपको पढ़ाया था रो, हमने फॉर्मूला पढ़ाया था, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ाया था जी, रजिस्ट। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है क्योंकि ये कॉर्नर पे क्वेश्चन है जी, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपको कॉर्नर पे है, ठीक है। देखिए जी, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है, रो एल अपॉन ए, ठीक है जी, क्या होता है, रो एल अपॉन ए। तो देखिए हम आर वन के लिए आर वन अपॉन आर टू निकालना है हमको, तो क्या करें, रो वन एल वन अपॉन ए वन अपॉन रो एल टू अपॉन ए टू। बात की जाए रो हम किस पे डिपेंड करता है थी, तो रो मटेरियल पे डिपेंड करता है। मैं उस दिन बताना चाहूंगा कि हमने रो क्या के बारे में क्या पढ़ा था जी, कि रो किस पे डिपेंड करता है, तो मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो दोनों कॉपर है, तो रो वन और रो टू क्या हो जाएगा, बराबर होगा, क्योंकि दोनों कॉपर से बना है, इसलिए रो वन और रो टू बराबर हो जाएगा। तो मैं यहाँ से आपको बताना चाहूंगा कि हमको यहाँ पे क्वेश्चन में डाउट था कि ये डी वन और डी टू क्या है। मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि ये जो वायर है आपको क्या है जी, सिलिंड्रिकल शेप में है, किसमें है जी, सिलिंड्रिकल शेप में है, और उसका क्या दिया गया है जी, हमको क्या दिया गया है, डायमीटर दिया गया है। यहाँ समझने की कोशिश करेंगे जी, हमको क्या दिया गया है जी, ये बताया जा रहा है कि ऐसा एक क्या है जी, सिलेंडर है, ऐसा क्या है, सिलेंडर है, इसके डायमीटर दिए गए हैं डी वन और डी टू, ठीक है जी। तो डी वन और डी टू दिया गया, तो हम क्या निकालना है, तो आर वन और आर टू निकालना है जी। हमने ये फॉर्मूला क्या लिखा था, आर वन बराबर आर वन अपॉन आर टू बराबर क्या आया था, रो वन एल वन अपॉन ए वन रो टू एल टू अपॉन ए टू। तो हमको रो बराबर हो गया क्योंकि दोनों क्या है जी, कॉपर के बने हैं, दोनों क्या है जी, कॉपर के बने हैं, तो रो बराबर हो जाएगा। अब बात करते हैं रो, तो हम काट देते हैं, तो क्या हो जाएगा, एल वन ए वन अपॉन एल टू ए टू, क्या हो जाएगा जी, एल वन ए वन अपॉन एल टू ए टू हो गया। अब बात की जाए तो एल वन अपॉन ए वन एल टू अपॉन ए टू, ठीक है। बात की जाए एरिया का, तो देखिए अगर सिलिंड्रिकल ऐसा है तो इसका एरिया क्या होगा जी, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये होगा, तो पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर। तो देखिए एल वन बराबर एल वन बट्टा एल टू, ए टू है, ए टू के लिए क्या लिखेंगे, तो पाई आर टू स्क्वायर अपॉन पाई आर वन स्क्वायर, ठीक है जी। ये सब वैल्यू पुट कीजिएगा, आपको डी वन डी टू जो दिया है, एल वन अपॉन एल टू क्या दिया है जी, एल वन अपॉन एल टू क्या दिया है, 1/4 दिया है, आर वन अपॉन आर टू क्या दिया है जी, आर वन अपॉन, देखिए आर है तो उसको क्या लिख सकते हैं, डी बाई टू लिख सकते हैं, स्क्वायर कर दीजिए, डी वन बाई टू लिख सकते हैं, स्क्वायर कर दीजिए, डी टू बाई टू अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हैं जी। यहाँ पे देखिए सॉल्व कर लीजिएगा, उसमें कोई बात नहीं, 1/4 आपको आ जाएगा डी टू, तो डी टू कितना है जी, डी टू बाई डी वन चाहिए, डी टू बाई डी वन क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 4/4 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, दोनों बराबर हो जाएगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि क्या हो जाएगा, उनका रेशियो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो उनका रेशियो क्या हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। तो 18 का आंसर क्या है, बी, 18 का आंसर देख लेते हैं जी, क्या है, बी है, ठीक है जी, 18 का आंसर क्या है जी, बी है, कोई बात नहीं। तो हमारा आंसर यहाँ पे वेरीफाई हो गया जी। तो देख सकते हैं हमने क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जी। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन हमने ये दिया था, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर क्या था जी, 47, क्वेश्चन नंबर क्या है जी, 47। यहाँ से देख सकते हैं, ये देखिए सिकंदराबाद जोन का है, देखिए क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ स्पार्क से करा रहा हूँ, और उसमें आपको देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि प्रदर्शित सर्किट में 4 ओम वाले प्रतिरोध में I4 धारा है, 12 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा, देखिए प्रदर्शित सर्किट 4 ओम के प्रतिरोध में I4 धारा है, क्या है जी, I4 है बोल रहा है, और 12 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा है, इसमें बोल रहा है कि 12 ओम क्या है जी, I12 है धारा है, तो I12 और I12 और I4 में बताना है रिलेशन जी, ठीक है ना। बस ये दो क्वेश्चन यही समझना है कि I क्या है जी, I12 और I4 में रिलेशन बताना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। हमको सर्किट दिया है,
ये क्या है जी, 12 ओम का है। थोड़ा मैं इसको जूम आउट कर दे रहा हूँ ताकि हम लोग को सिंप्लीफाई करने में आसानी रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन हमने पढ़ रखा है, देखिए इसको हम क्या करते हैं जी, एक 12 ओम का है, उसके बाद थोड़ी सी टाइम लैप्स हो रहा है तो आप इस पे ध्यान ना दें क्योंकि मेरे पास फैसिलिटी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है जी। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आप समझ ही गए होंगे कि मेरे पास क्या है जी, फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है, तो प्लीज़ क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जी, 4 ओम है, 8 ओम है, 12 ओम है, एक क्या है जी, चलिए मानते हैं यहाँ से जो भी करंट पास होगा, कौन सा करंट पास होगा, तो I12 पास होगा जी। देखिए यहाँ से करंट पास हो रहा है I12, देखिए इसमें क्या है जी, रजिस्टर में ए रजिस्टर है, ए रजिस्टर है, देखिए इसके क्रॉस जो भी रह जाएगा, यहाँ के यहाँ पे वोल्टेज क्या है जी, बराबर है, वोल्टेज क्या है, बराबर है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसके क्रॉस वोल्टेज क्या है, हम मान लेते हैं कि I8 जा रहा है, I8 I×R क्या हो जाएगा, वोल्टेज इसके क्रॉस आया, इसके क्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो 4 × I4, तो यहाँ से मिला 2, यानी 2 I8/I4 बराबर क्या है जी, 1, इसको ले जाएंगे तो क्या मिलेगा इधर 2, तो ये बोल रहा है कि I4 क्या है जी, चलिए जी, तो हम यहाँ पे इसी क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे है I12 बराबर क्या है जी, 12 एम्पीयर से करंट जा रहा है, हमको निकालना है क्या I4 में क्या करंट जा रहा है जी, I4 में, तो हमने क्या किया था, हमने पहले वोल्टेज बराबर किया था। देखिए हम मानते हैं कि यहाँ पे क्या जा रहा है, I8 जा रहा है, क्योंकि 8 ओम में जा रहा है, ये I4 है, I4 ओम में जा रहा है, इसलिए तो 8 × I8 बराबर 4 × I4, तो 4 से 2, तो 2 I8 बराबर क्या हो जाएगा, I4 हो जाएगा, हमने ये I4 और I8 में रिलेशन निकाल लिया जी। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं हमको क्या नहीं चाहिए जी, हमको पता है कि I4 + I8 बराबर क्या है, I12 है, क्योंकि तो देखिए यहाँ से जो करंट आ रहा है वही करंट तो इधर जा रहा है, दोनों हमारा एक KCL हो गया जी, किससे पहले हम KVL लगाए थे, क्या लगाए हैं, KCL लगाए हैं, देखिए हमारे यहाँ पे आ गया, हमको क्या निकालना है जी, I4 और I12 में रिलेशन निकालना था, हमको तो I8 गायब करना था, I8 बराबर क्या है जी, यहाँ से ले I8 बराबर क्या आ जाएगा, I8 बराबर I4/2 हो जाएगा, और I4 बराबर I12, ये क्या आ जाएगा, 3/2 I4 बराबर क्या आ जाएगा, I12, हमको क्या निकालना था जी, हमको निकालना था I12 कितना है, I टर्म के बारे, I12 कितना है जी, I4 के टर्म क्या है, 1.5 है, तो 1.5 I4 बराबर क्या है, I12, यही आंसर है, आंसर आपको 3/2 में दिया है, 1.5, ये 1 पॉइंट है जी यहाँ पे, ठीक है, 1.5 एम्पियर है जी। तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन था जी। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। मैं आप सबसे बता देना चाहूँगा कि मेरे पास फैसिलिटी जो है बहुत ही लिमिटेड है, तो प्लीज़ अगर आपको टाइम लग रहा होगा कि मैं ज़्यादा ले रहा हूँ, तो प्लीज़ इससे आप डिमोटिवेट ना हो, क्योंकि समझना पड़ेगा, और आपको ये पता है कि क्या है जी, आपको ये पार्ट 1 का है, तो इसमें मेरिट बेस्ड है, तो इसमें समझना ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं, प्रदर्शित प्रदेश में पी और क्यू के बीच समतुल्य धारिता, पी और क्यू के बीच समतुल्य धारिता चाहिए जी, ये क्या है जी, पैरेलल कनेक्शन है, तो पैरेलल में क्या होता है, डायरेक्ट जुड़ जाता है, पैरेलल में क्या होता है जी, डायरेक्ट जुड़ जाता है जी, तो हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट जुड़ जाएगा जी, तो हमको यही समझना है कि डायरेक्ट जुड़ जाएगा पैरेलल में, लेकिन सीरीज में क्या होता है, अपोजिट होता है जी रजिस्टर का। तो देखिए अब इस सर्किट को हम अगर कंप्लीट करें तो क्या हो जाएगा, 3 माइक्रो फेराड, ये क्या हो जाएगा, 6 माइक्रो फेराड, ये क्या हो जाएगा, 3 माइक्रो फेराड, ठीक है जी, यहाँ पी और क्यू है, अब यहाँ से समझ सकते हैं, अब ये सीरीज में है, तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। मैं कुछ बच्चों को बता देना चाहूंगा, जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं प्लीज जाकर प्रीवियस लेक्चर को देखें। देखिए कैपेसिटर में जब सीरीज होता है तो ये फॉर्मूला लगता है, ठीक है जी, तो 1/3 + 1/6 1/3, देखिए यहाँ पे म्यू जो है माइक्रो, माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10^-100, इसको क्या मानते हैं, क्या है जी, यूनिट है, माइक्रो फेराड क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा, 6 क्या हो जाएगा, 3 से 2 1, 3 से 2, तो क्या हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट आपको आ जाएगा 6/5 माइक्रो फेराड आ जाएगा, क्या आ जाएगा जी, 6/5 माइक्रो फेराड, हमको केवल कैलकुलेशन क्या करना था, 6/5 क्या होता है जी, 6/5 क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 1.2 माइक्रो फेराड। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि कितना मेरा चैप्टर आसान तो नहीं है,
लेकिन मैं इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो प्लीज़ दोस्तों मेरे साथ कोऑपरेट कीजिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को बनाने में क्या होगा जी, प्रॉब्लम होगी। देखिए अब बात करते हैं कुछ इंडक्शन मोटर से क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए तो ये क्या हो जाएगा, इंडक्शन मोटर जब मैं कंप्लीट करूँगा उस समय आपको बताऊँगा जी, ठीक है ना। तो देखिए अलग अलग टॉपिक है, अलग अलग टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चन है, तो प्लीज़ सारे कोर्स टॉपिक को एक में मिक्स मत कीजिएगा, क्योंकि आपको क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, आपको क्या हो जाएगा जी, दिक्कत हो जाएगा। अब बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर ट्रांसफार्मर की, ट्रांसफार्मर हम तभी कंप्लीट करेंगे जब ट्रांसफार्मर की न्यूमेरिकल आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा था ई वाला, अगला क्वेश्चन ये देखिए, इसमें क्या है जी, ए क्या है सीरीज में, ए सीरीज में है, ए है दो ओम, ए दो ओम, ए दो ओम, ए दो ओम, एक एम, एक ओम, एक ओम, एक ओम, इसको क्या करना जी, ए बी के क्रॉस आर इक्विवेलेंट निकालना था। ये पता होगा, मैं प्रीवियस लेक्चर में भी करा दिया हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसको करा रहा हूँ जी, फिर से मैं करा रहा हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे दिक्कत हो रही है कुछ बच्चों को, कुछ बच्चों को दिक्कत हो रही है, तो प्लीज़ समझने की कोशिश करेंगे जी, क्योंकि दिक्कत तो होगी ही, क्योंकि आपको भी पता है कि क्वेश्चन कहाँ से आना है,